कैसी हो तुम गुड्डन? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहाँ थी रात भर? हम कितना परेशान हो रहे थे। ना फोन, ना कुछ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था इनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी गुड्डन को सही सलामत घर वापस लेकर आए। चलता जी। कहा जा रहा है कि आप गुड्डन के एक्स हस्बैंड हैं, क्या ये बात सच है? कहा तो ये भी जा रहा है कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार था, फिर ये दूरियां क्यों? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदर, आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझे? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदर, आप ऐसे चुप क्यों हैं? आपको जवाब देना हो। आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी का मतलब क्या समझे मिस्टर जिंदर? देखिए ये सही तरीका नहीं है, ये हमारा घर है, आप लोग जाइए यहाँ से। सवाल पूछना हमारा हक है मैम। सवाल पूछना आपका हक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जगह और समय देख कर सवाल पूछा करिए। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। चलिए सर, आप दोनों को एक साथ देखकर क्या ये माना जा सकता है कि गुड्डन और अक्षत दोनों एक साथ होने वाले हैं? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है? बोलिए मिस्टर जिंदल। गुड्डन जी आप ही बताइए, क्या आप और मिस्टर जिंदल एक दूसरे के साथ नजर आएंगे? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल। ओह गॉड। एक मिनट, तो कोई मसालेदार खबरों के बिना आप यहाँ से जाएंगे नहीं? कुछ ना कुछ मसालेदार चाहिए ही होता है ना आप लोग को। हम आपकी मदद कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर अरे बाप रे, ये बड़ा आपने, भोपाल में 10 बच्चे ठिठुरते हुए पाए गए और एक भी नहीं गया मदद करने। अरे आप में से एक जना तो चला जाता, कमाल कर थे हैं आप लोग। एक सास ने अपनी बहू को जलाकर मार डाला, वो भी दहेज के लिए। एक बाप ने नशे की हालत में अपनी ही बच्ची की जान ले ली। क्या खुसर फुसर क्या कर रहे हैं सब लोग? ये सब खबरें नहीं पड़ी होंगी ना? हाँ, इन सब में आपका योगदान नहीं रहा होगा ना, क्योंकि इन सब में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको तो चाहिए गॉसिप, मिर्च मसाले का, इनसे कुछ चटपटा है ना। इनसे तो किसी का भला हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, या फिर क्राइम होने से रुक सकता है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोग, कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट कि हमारी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने देंगे तो अच्छा होगा। अब खुद से चले जाएंगे या? एक मिनट, ये लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? इतनी मेहनत से, इतनी मशक्कत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं तो हक बनता है इनका ये जानने का कि एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। वही कल को पता चला किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया। I don't want any rumors about me। तो बात यह है कि मेरी और मेरी पत्नी अंतरा की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है, और मुझे लगा कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना एक बड़ी सी पार्टी रख दी जाए। अब कोई भी पार्टी बिना किसी नाच गाने के, एंड आई मीन एंटरटेनमेंट के पूरी कैसे हो सकती है? तो मैं यहाँ इंडिया की लेटेस्ट सुपरस्टार को साइन करने आया हूँ।